हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सतीश, आप सभी को स्वागत है फैंटेसी विद शत्रुघ्न चौबे चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पुनेरी पलटान वर्सेस यू मुंबा के बीच में होने वाला प्रो कबड्डी 2023 का 13th मैच है भाई। और ये मैच आपको 9 बजे रात को खेला जाएंगे और एक अच्छा मैच देखने के लिए आपको मिलेगा भाई। एक अच्छा डिफेंस टीम से दोनों यहाँ पर, तो एक स्ट्रॉन्ग टीम रहने वाले दोनों टीम, और ये दोनों टीम के लिए भी ये मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस मैच में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा भाई, यहाँ पर आपको मैं पूरे 6 GL टीम ऑलरेडी बना के रख चुका हूँ। अभी आपको मैं 2 GL टीम लाइव बना के दिखाऊंगा भाई। इसके साथ साथ एक स्मॉल लीग टीम भी आपको मैं बना के दिखाऊंगा। उसका भाई पॉइंट टेबल पे कितने पोजीशन पे, लास्ट मैच में कौन सा प्लेयर यहाँ पर राइडर अच्छे पॉइंट्स है, डिफेंस पे कौन सा प्लेयर चला है, और यहाँ पर ओवरऑल कौन सा प्लेयर को लेना चाहिए, ये सब कुछ आपको मैं डिटेल से एनालिसिस करूँगा। इसके साथ साथ भाई यहाँ पर आपको ये भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ग्रैंड लीग खेलते समय कौन सा कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करना चाहिए, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो अभी आपको मैं 7th GL टीम लाइव बना के दिखाऊँगा भाई। तो यहां पर आपको डिफेंस टीम रहेगा, रिंकू ऐसे महेंद्र सिंह रहेंगे भाई, उसका बाद संकेत सावंत है, इनको आप टीम पे ले लीजिएगा। ये 3 डिफेंडर यहाँ पर है भाई। उसके बाद आप देख सकते हो सादुलू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर जफरा डानिश भी यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, असलम इनामदार को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ भाई। और यहाँ पर आपको मोहित गोयट काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक है, और इसके साथ साथ आप गुमान सिंह को आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन पे भाई सादुलू एक अच्छा पिक है कैप्टन पे, क्योंकि डिफेंस पे बहुत अच्छे चलते हैं। और वाइस कैप्टन पे भाई आप रिंकू को ले लीजिए, भले लास्ट मैच फ्लॉप रहे भाई, लेकिन पहला मैच में कमाल की परफॉर्मेंस रहा था इनका। तो एक बार टीम अच्छे से मैं आपको मैं दिखा देता हूँ। 3 डिफेंडर रिंकू, महेंद्र सिंह, संकेत सावंत है, सादुलू, और यहाँ पर आपको जफरा डानेस है भाई। उसके बाद गुमान सिंह, मोहित गोयट है। तो यहाँ पर आपको सादुलू कैप्टन है, वाइस कैप्टन पर रिंकू को ले लीजिएगा। तो ये हमारा पहला GL टीम था भाई, मतलब लाइव बना के आपको मैं दिखाया ये 7 GL टीम था। तो अभी आपको मैं 8 GL टीम दिखाऊंगा। तो ये राइडिंग टीम रहेगा भाई, यहाँ पर गुमान सिंह, मोहित गोयट, और इसके साथ साथ पंकज मोहित, प्रणय विनय राणे है भाई, काफ़ी अच्छे स्किलफुल राइडर है। उसके बाद असलम इनामदार, और यहाँ पर चियाना को आप ले लीजिएगा भाई। यहाँ पर जफरा डाने से एक अच्छा राइडर है, तो यहाँ पर आप सादलू को ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास राइडिंग के साथ साथ डिफेंस का भी स्किल्स भरपूर है। उसके बाद यहाँ पर आपको बेस्ट 2 डिफेंडर्स भाई रिंकू को आप पिक कीजिएगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पर बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं, आप महेंद्र सिंह को भी आप ले लीजिए, ये प्लेयर आपको काफ़ी फायदा रहने वाला है। तो यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन पे असलम इनामदार मैं कैप्टन बनाऊंगा भाई, और वाइस कैप्टन पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको मोहित गोयट यहाँ पर एक अच्छा पिक है। तो ये जो टीम है आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर आपको 2 डिफेंडर रिंकू और यहाँ पर महेंद्र सिंह है। उसके बाद आप देख सकते हो भाई यहाँ पर सादलू, असलम इनामदार है। उसके बाद गुमान सिंह, मोहित गोयट और प्रणय विनय राणे को मैंने टीम पे लिया। तो कैप्टन वाइस कैप्टन पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, कैप्टन पे भाई असलम इनामदार और वाइस कैप्टन पे मोहित गोयट है भाई। तो ये जो टीम है आप देख सकते हो, ये हमारा 8 GL टीम था, और इस टीम को यहाँ पर मैंने सेव करके रख लिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको 8 के 8 GL टीम मैंने दिखा दिया भाई। अभी आपको मैं 6 GL टीम बना के दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले भाई यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टेबल टीम फॉर्म सब कुछ देख लेते हैं, उसके बाद आपको सब कुछ डाउट क्लियर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पुनेरी पलटन जो लास्ट मैच खेले भाई जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाफ 4 पॉइंट से जीत गया था ये मैच, और इस मैच में 19 राइट पॉइंट लिखा हुआ भाई, यहाँ पर 13 टैकल पॉइंट था, और 4 पॉइंट्स मिले थे एक्स्ट्रा, 2 बार ऑल आउट किए थे और 1 एक्स्ट्रा पॉइंट मिला था, और ये मैच आसान से जीते थे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो असलम इनामदार सुपर 10 बनाए थे भाई, यहाँ पर 8 राइट पॉइंट, 2 बोनस पॉइंट, कुल मिला के 10 पॉइंट था। मोहित गोयट 5 राइट पॉइंट, 2 टैकल पॉइंट, 1 बोनस पॉइंट, कुल मिला के 8 पॉइंट था इनके पास। और यहाँ पर सादलू ने 1 राइट पॉइंट, 4 टैकल पॉइंट, कुल मिला के 5 पॉइंट लेते हैं। और यहाँ पर नदराजन मेरे हिसाब से फ्लॉप रहे भाई, 2 टैकल पॉइंट, एक अच्छा प्लेयर। संकेत सावंत 2 टैकल पॉइंट, पंकज मोहित है यहाँ पर देख सकते हो भाई, 2 राइट पॉइंट लिए थे, और गौरव खत्री 2 टैकल पॉइंट लिए थे, और बादल तकदीर सिंह यहाँ पर 1 टैकल पॉइंट लिया था। तो लास्ट मैच में अगर देखा जाए तो असलम इनामदार, मोहित गोयट और इसके साथ साथ सादलू, ये तीनों ने काफ़ी अच्छे खेले। सादलू सेकंड हाफ में काफ़ी अच्छा खेला भाई। उसके बाद यहाँ पर आपको यू मुंबा पे अगर देखा जाए तो ये मैच 2 पॉइंट गुजरात जींस से हार गए थे, और इस मैच में 27 राइट पॉइंट था भाई, सुपर रेड 1 भी नहीं लगा, 6 टैकल पॉइंट्स थे, और यहाँ पर 1 बार ऑल आउट किए तो 2 पॉइंट मिले एक्स्ट्रा, 2 पॉइंट मिला था भाई इस टीम को। उसके बाद गुमान सिंह 6 राइट पॉइंट और 4 बोनस पॉइंट, कुल मिला के 10 पॉइंट बना लिए थे। और यहाँ पर अमीर मोहम्मद, जफरा दानिश यहाँ पर ईरान का राइडर है भाई, 6 राइट पॉइंट, 1 टैकल पॉइंट, कुल मिला 3 बोनस पॉइंट, कुल मिला के 10 पॉइंट लिए। और यहाँ पर महेंद्र सिंह 4 टैकल पॉइंट और 1 बोनस पॉइंट, कुल मिला के 5 पॉइंट लेते हैं। प्रणय विनय राणे 5 राइट पॉइंट था भाई, और विश्वनाथ भी यहाँ पर 2 राइट, 1 टैकल, 1 बोनस, 3 पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ पर लास्ट मैच में गुमान सिंह, अमीर मोहम्मद, जफरा डानिश और महेंद्र सिंह, और इसके साथ प्रणय विनय राणे भी एक अच्छा गेम खेला था। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा भाई पॉइंट टेबल पे, तो पुनेरी पलटन 1 का 1 मैच जीत के 6ठा पोजीशन पे, और यू मुंबई 2 में से 1 मैच जीते, 1 मैच हार के 3rd पोजीशन पे भाई यहाँ पर।
तो अभी आपको मैं दिखाना चाहूँगा जो यूपी योद्धा और हरियाणा स्टीलर्स के बीच में जो मैच हुआ था, और ये मैच में हम लोग स्मॉल लीग पे आसान से जीते थे भाई, काफ़ी अच्छे विन किए थे। उसके बाद यहाँ पर आपको लगभग ब्रिस्बेन हीट और मेलबोर्न स्टार्स बिग बॉस लीग की जो मैच है भाई, यहाँ पर भी हमारी टीम लगभग 30,000 की स्पॉट्स पर भी हमारी टीम 1800 रैंक पर आए थे। यहाँ पर आपको मैं क्रिकेट और कबड्डी दोनों कवर करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो 10 स्पॉट्स पर भी हमारी टीम रैंक वन आसान से आते हैं भाई। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे यूजर मिनी ग्रैंड लीग भी जीते, सेकेंड रैंक और फोर्थ रैंक आए थे भाई। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी टीम फिर 37,000 स्पॉट्स पे हमारी टीम यहाँ पर 39 रैंक आए थे भाई, काफ़ी अच्छे विन किए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हो 17 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ये 16.5 पॉइंट्स हम यहाँ पर हार गए थे, यहाँ पर हमारी टीम रैंक वन आ सकता था। उसके बाद आप देख सकते हो भाई 351 इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर 463 की प्रॉफिट है, सेकंड रैंक और सिक्स रैंक आए थे भाई। उसके बाद स्मॉल लीग पे भी फिर से हमारी टीम यहाँ पर रैंक वन पे भी आया। तो स्मॉल लीग टीम्स का ग्रैंड लीग टीम जो भी होगा आपको मिल जाएगा। आज की जो मैच हुआ भाई गुजरात जायंट्स और पटना पायरेट्स, यहाँ पर हमारी टीम स्मॉल लीग पे 4 स्पॉट्स पे हमारी टीम रैंक वन आसान से जीत लिया था। तो काफ़ी जैसे अपने लॉस को रिकवर करना भाई, अगर आपको भी रिकवर करना तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक अगर ओपन नहीं होता तो टेलीग्राम पर जाके आपको इस प्रकार सर्च कर लेना @शत्रुघ्न225। अगर आप इस प्रकार सर्च करते हो तो आपको मेरे चैनल से हो जाएगा। तो लास्ट मैच में 8 जीएल 2 ग्रैंड लीग टीम दिए थे भाई यहाँ पर। तो काफ़ी जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 11 12 13 14 15 ग्रैंड लीग तक टीम्स मिल रहे हैं, तो आप जरूर आके ज्वाइन कीजिएगा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए एक स्मॉल लीग टीम भी आपको मैं बना के दिखा देता हूँ भाई, क्योंकि इससे आपको काफ़ी मदद होगा। तो यहाँ पर पुनेरी पल्टन यू मुंबा के बीच में जो मैच है भाई, यहाँ पर इसके लिए आपको पहले ग्रैंड लीग कॉन्ट्रैक्ट खेलना अच्छा है भाई। 50 रुपये एंट्री में आप 10 टीम के साथ जाना है भाई यहाँ पर। अगर आपको रैंक वन आते तो 4 लाख रुपये तक आप जीत जाएंगे भाई यहाँ पर। लेकिन आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताऊँगा भाई, फ्री एंट्री है यहाँ पर, आपके पास पैसे नहीं तो आप इस पर आके खेल सकते हो। तो यहाँ पर आपको रिंकू और इसके बाद यहाँ पर सुरेंद्र सिंह और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको महेंद्र सिंह को टीम पर लेना भाई। उसके बाद साधलू और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको आमिर मोहम्मद जफरा डानिश को लेना, और यहाँ पर आपको मोहित गोयट है भाई, और इसके साथ साथ यहाँ पर गुमान सिंह को आप टीम पे रख लीजिएगा। तो यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन पे भाई यहाँ पर आपको साधलू को ले रहा हूँ, और इसके साथ साथ आमिर मोहम्मद जफरा डानिश को ले रहा हूँ भाई। दोनों यहाँ पर ईरानी प्लेयर्स को मैंने पिक कर लिया। यहाँ पर तीन डिफेंडर रिंकू सुरेंद्र सिंह और महेंद्र सिंह है भाई। उसके बाद साधलू चियाना और यहाँ पर जफरा डानिश है। उसके बाद दो राइडर मोहित गोयट और गुमान सिंह को लिया, और कैप्टन वाइस कैप्टन पे ईरानी प्लेयर्स को मैंने पिक कर लिया। तो ये हमारा स्मॉल लीग टीम है भाई, तो इस टीम को सेव करके रख लीजिएगा, वहीं पर आपको मिलेगा सब कुछ। यहाँ पर अगर आप रैंक पर आते तो 2,000 रुपये तक मिल जाएगा भाई, फ्री एंट्री आप जरूर यूज़ कीजिएगा, इससे आपको काफ़ी मदद मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको कल 2 मैचेस है भाई कबड्डी के, दोनों मैचेस में आपको 20,000 की फ्री एंट्री मिल रही है इस एप्लीकेशन पर। इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया T20 लीग की जो मैच है भाई, इसमें यहाँ पर आपको 50,000 तक फ्री एंट्री मिल रहा है। तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना भाई। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो पहला जीएल टीम एक बार अच्छे से देख लेना भाई, यहाँ पर आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं महेंद्र सिंह, रिंकू एस सी, गौरव खत्री है भाई। उसके बाद साधलू है, असलम इनमदार, गुमान सिंह और मोहित गोयट है। तो यहाँ पर मोहित गोयट और यहाँ पर साधलू को मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन लिया। तो ये हमारा पहला जीएल टीम था, और दूसरा जीएल टीम भी आप एक बार अच्छे से देख लेना। यहाँ पर 4 डिफेंडर आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर महेंद्र सिंह, और यहाँ पर आपको संकेत सावंत, रिंकू एस सी, गौरव खत्री है। उसके बाद असलम इनमदार, जफरा डानिश, और इसके साथ साथ गुमान सिंह है भाई। ये हमारा दूसरा जीएल टीम था, और असलम इनमदार और जफरा डानिश को यहाँ पर मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन लिए थे। और ये तीसरा जीएल टीम में आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं महेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, और इसके साथ रिंकू है। उसके बाद साधलू और जफरा डानिश, गुमान सिंह और मोहित गोयट है भाई। तो यहाँ पर साधलू और रिंकू को यहाँ पर मैंने, दोनों डिफेंडर्स को यहाँ पर मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन ले लिया भाई। तो अभी यहाँ पर आपको मैं जो प्लेइंग दिखाने वाला हूँ भाई, ये मेरा चौथा जीएल टीम है। तो यहाँ पर आप चौथा जीएल टीम पे भाई आप देख सकते हो, यहाँ पर गिरीश मूर्ति, कैप्टन, महेंद्र सिंह और सुरेंद्र सिंह और रिंकू है भाई। उसके बाद साधलू एक ही ऑलराउंडर है, पंकज मोहित, गुमान सिंह को लिया, गुमान सिंह मेरा यहाँ पर कैप्टन है भाई। और वाइस कैप्टन पे आप देख सकते हो गिरीश मूर्ति, एरनाक को लिया। तो ये हमारा चौथा जीएल टीम था, और पाँचवा जीएल टीम भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, महेंद्र सिंह और रिंकू एसी है। उसके बाद साधलू, असलम इनमदार है भाई। उसके बाद तीन राइडर पंकज मोहित, गुमान सिंह, मोहित गोयट है भाई। तो यहाँ पर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन पर साधलू और असलम इनमदार को टीम पर लेना चाहिए। ये हमारा फिफ्थ जीएल टीम था, और लास्ट एंड फाइनल जीएल टीम आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नजर
नजर आ रहे हैं। नरेंद्र सिंह, संकेत सावंत, रिंकू है भाई यहाँ पर, उसके बाद सादलो और जफरा डानिस है, और यहाँ पर दो राइडर्स है भाई यहाँ पर गुमान सिंह, मोहित गोयट, तो यहाँ पर जफरा डानिस और यहाँ पर रिंकू को मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन लिए। तो ये हमारा छठा जीएल टीम था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 8 के 8 जीएल टीम, एक स्मॉल लीग टीम आपको मैंने दिखा दिया, लेकिन टेलीग्राम पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर आपको 8 GL प्लस यहाँ पर 2 स्मॉल लीग टीम एक्स्ट्रा मिलेगा भाई, 10 GL टीम तो आपको पूरी मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो भाई मैं यहीं पर वीडियो को भी समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट जो मैच उसको भी कवर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, इसके साथ साथ बेल आइकॉन को भी जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।